मेरे अच्छा आज इधर ज्यादा पास मिला के बजा रहे हैं ये गणेश जी। अभी आवाज कम थी, एकदम बढ़ा दी इन्होंने ना। कोई बात नहीं, बढ़ा दी। तो देखो भैया ऐसा है, करें शुरू। तुम भी लिखो, तुम भी लिखो, तुम भी लिखो, और जी जी तुम दोनों भी लिखो, है तुम्हारे भी सिलेबस में है। तो भैया जैसे भी हो इधर उधर बैठ जाओ और लिखो, है ना। चलो करते भैया। देखो भैया ऐसा है कि बोलते जाना, तुम्हें याद है तो बोलते जाना, है ना। व्रत की परिधि, बोलो बेटा, व्रत की परिधि बराबर 2πr। व्रत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड की बात करेंगे अब हम, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा, जोर से बोलो, बटे 360। अच्छा ने लड़ाई करो जब, तेज बोलो। चाप की लंबाई, जब नहीं बोलेंगे आवाज ऐसी, चाप की लंबाई 2πr θ/360। चलो यहां तक आगे आगे, इसके बाद हम बात करेंगे घन। हाँ बेटा, घन का आयतन एक ही घात 3, घन का संपूर्ण पृष्ठ है। बोलो बेटा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² और घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी बताओ बेटा? a√3। चलो अब घन के बाद आता है घनाभ का आयतन। बोलो बेटा घनाभ का आयतन abc। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, बोलो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 + AB + BC + CA। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई a² + b² + c² चलो घनाभ हो गया ना। अब बेलन का आयतन बताओ भैया, बोलते जाना। हेलो बोलो, दसवीं में हो ना तुम? देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर एच, बोलने से क्या वो चीज हमारे मेमोरी में आती है, बार बार जब हम किसी चीज को बोलते हैं ना तो वो परमानेंट मेमोरी में आती है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr + h। वेरी नाइस। चलो अब खोखले बोले की खोखले बेलन की बात करेंगे हम, है ना। बेलन की बात हो गई ना, अब खोखला बेलन ऐसा होता है, आपको दिखा देते हैं। जैसे आपने बेलन तो देखा है, ये भैया ये बेलन है हमारा, है ना। मगर खोखला बेलन कैसा होता है? ये खोखला बेलन भैया, है ना, ये ठीक है ना, है ना।
ये खोखला, ये यहाँ पे बीच में ये खोखला है ना, इस ऐसे बेलन को खोखला बेलन कहा जाता है। अंदर वाले बेलन की त्रिज्या R2, बाहर वाले की R1, ऊंचाई दोनों की सेम होती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां खोखले बेलन का आयतन पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर है ना। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2πH कोष्टक में R1 प्लस R2। चलो अब आपने गोला देखा है ना, गोला फेंक भाला फेंक होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πR³। अर्धगोले का आयतन तो 4 की जगह 2 कर लो बेटा, 2/3πR³। ये अर्धगोले का आयतन है ना, अर्धगोले का हो गया, गोले का हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πR² है ना बेटा। चलो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ, 2πR² गोले का वक्र पृष्ठ होता है बेटा 2πR² है ना। चलो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 3πR² ओके यस ओके। तो देखो बेटा हमने ये आपको मेंसुरेशन के जो महत्वपूर्ण सूत्र थे ये बताए है ना। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की है ना, त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं बेटा हम। साइन थीटा क्या होता है बेटा बोलो, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है, और वो कर्ण बटे लंब होता है, वो कर्ण बटे लंब होता है उल्टा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण ऊपर चला गया लंब नीचे आ गया। फिर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। फिर कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब। चलो अब कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो मैंने आपको लिखाए हैं है ना। चलिए इसके बाद में इसके आगे के जो सूत्र हैं वो देखिए। साइन थीटा इज इक्वल 1/ कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, साइन का अपोजिट कोसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा। और
कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। चलो साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा का अपोजिट बताओ, कॉस थीटा। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस, ठीक है ना। चलो अब कॉस थीटा में गुणा करेंगे सेक थीटा का तो क्या आएगा, इज इक्वल वन। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, और टेन का कॉट में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल वन, ठीक है। चलो सर्वसमीकरण लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस का कॉस स्क्वायर रूट के उधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन उठ के उधर जाएगा, अब साइन उठ के गया तो माइनस का साइन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन उठ के उधर गया माइनस का वन। चलो फिर क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन उठ के उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। चलो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वन उठ के गया तो माइनस का वन, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट उठ के उधर गया तो माइनस का कॉट, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। चलिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है भैया, उल्टा कर लो, कास ऊपर कर दो, कास को ऊपर साइन को नीचे, थीटा अपॉन साइन थीटा। या तो ये सब सूत्र हम आपको बार बार इसलिए लिखाते हैं ताकि बार बार जब हम किसी चीज को लिखते हैं देखते हैं तो वह हमारे परमानेंट मेमोरी में चली जाती है और हमेशा के लिए हमें याद हो जाती है ना। चलो और इसके बाद में कुछ मान भी हमें जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं सही जोड़ी में, सही जोड़ी में अक्सर ये मान पूछे जाते हैं कि टेन 45 का मान, कॉट 45 का मान, है ना, कॉस 0 का मान, साइन 90 का मान, है ना, साइन 90 का मान, टेन 30 का मान, टेन 60 का मान, ये टेन 45 इज वन, कॉट 45 इज वन, कॉस 0 इज वन, साइन 90 इज वन, टेन 30 इज वन अपॉन रूट थ्री एंड टेन 60 इज रूट थ्री, ये मान अक्सर पूछे जाते हैं सही जोड़ी में पूछे जाते हैं, अगर आपको याद है तो आप फटाफट बता देंगे और आपकी सही जोड़ी सही हो जाएगी और आपको नंबर मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन, ये मान पूछे जाते हैं सही जोड़ी में, और इनकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो उस समय भी हमको इनके मानों की जरूरत पड़ती है। चलो आराम से बैठा, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे
इसके बाद देखो, अगर कोई वर्ग समीकरण है तो उसके मूलों का गुणनफल c बटे a होता है और मूलों का योगफल कितना होता है माइनस बी बटे माइनस बी बटे। हाँ, तो ये खाली स्थान में या ऑब्जेक्ट टू में पूछा जाता है ना, सही जोड़ी में भी पूछा जा सकता है, है ना। अब यदि बी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बिना मूल वास्तविक होंगे। हाँ, वेरी गुड। और इसका मान अगर जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा मतलब एक दो चार आठ बीस पचास आ जाए, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ी जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है सब जीरो से बड़ी होती है तो मूल वास्तविक होंगे। हाँ, तो मूल वास्तविक वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। और d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है अगर इसका मान ऋणात्मक आता है, ऋण का एक, ऋण का दो, ऋण का बीस, ऋण का पचास, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी और काल्पनिक होंगे। वेरी गुड, मूल अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे, वेरी नाइस, जिनको हम निकाल ही नहीं सकते हैं, वेरी नाइस। चलो अच्छी बात है, ये भी आपने बहुत सही बताया। और यदि ए वन बटे ए टू इज नॉट इक्वल बी वन बटे बी टू हो तो रेखाएं संगत होगी वह प्रतिच्छेदी। हाँ, वेरी गुड, तो रेखाएं संगत होंगी और प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं संगत भी होंगी प्रतिच्छेदी होंगी तथा एक अद्वितीय हल होगा, तथा एक अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। और नंबर टू, नंबर टू, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू। रेखाएं असंगत होगी तथा वो समांतर होगी। हाँ, रेखाएं असंगत होंगी, असंगत होंगी, समांतर होंगी, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, कोई कॉमन बिंदु नहीं होता है, रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। नंबर तीसरा पॉइंट, यदि a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल सी वन अपॉन सी टू, रेखाएं संगत व समवर्ती रेखाएं होगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, रेखाएं संगत होंगी, संगत भी होंगी और समपाती, है ना, रेखाएं संगत हैं, समपाती हैं और अनंत अनेक हल हैं, और रेखाओं के अनंत अनेक हल होंगे, समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। वेरी नाइस, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद आपका अगला है हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या है, x1 plus x2 बटे 2 और y बराबर y1 plus y2 बटे 2, y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु निकालने के सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, x1 y2 minus y3 plus x2
y3 माइनस y1 प्लस x3, x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, ठीक है ना। ये मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। यदि यदि दो बिंदु, यदि कोई बिंदु दी गई रेखा दो बिंदुओं से बनी रेखा, दो बिंदुओं से बनी रेखा को कोई बिंदु M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y बराबर M1 M1 plus Y2 upon Y1 plus Y2, है ना। तो ये वाला सूत्र है आपका, ये सूत्र उसमें लगता है। तो आपको सूत्र ये बार बार लिखने से क्या होगा, हमारे मेमोरी में ये चीजें रहती है। जब हम किसी चीज को बार बार लिखेंगे तो वो अच्छी बात है, कंठस्थ हो जाती है और फिर हमसे भविष्य में गलती होने की संभावना कम होती है ना। चलो अब ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है।